इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और किंग्सवे हॉस्पिटल की ओर से 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाएगा। इस बार इंसुलिन की खोज के 100वीं वर्षगांठ पर थीम रखी गई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों और सामान्य जनता के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसी जानकारी किंग्सवे अस्पताल द्वारा आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। कार्यक्रम में साइकिल रैली के माध्यम से स्वास्थ्य का संदेश दिया जाएगा। महापौर दयाशंकर तिवारी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। रैली में हिस्सा लेने वालों के लिए पुरस्कार रखा गया है। सुबह 6 बजे यह रैली निकलेगी। फिजिशियंस के लिए सत्र आयोजित किया गया है। इसमें इंसुलिन विकास पर प्रकाश डालने नामी डॉक्टरों का समावेश होगा। सत्र का आयोजन 9:30 बजे किंग्सवे हॉस्पिटल में होगा। दोपहर 2:30 बजे के सत्र में नर्सेस को इंसुलिन थेरेपी तकनीक और संरक्षण के बारे में बताया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम 14 नवंबर के दिन हमने डायबिटीज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेशन के लिए प्लान किया है और ये पूरा प्रोग्राम हम किंग्सवे हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद IMA, API, AMF, डायबिटीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और महाएंडोक्राइन सोसाइटी महाराष्ट्र, इनके साथ मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसके माध्यम से हमारा ये एम है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट्स लोगों को होती है, लेकिन इसके लिए पेशेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सभी का इन्वॉल्वमेंट इसके ट्रीटमेंट में रहता है। सो दैट हमारा ये एम है कि ये सबको डायबिटीज़ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, सो दैट वी कैन ट्रीट दीज पेशेंट्स वेरी वेल, वी कैन कंट्रोल देयर ब्लड शुगर एंड डायबिटीज़ वेरी वेल, एंड वी कैन प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ इन दीज पेशेंट्स। डायबिटीज़ हा एक असा आजार आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही म्हणतो की लक्षणं सुरुवातीला काहीच दिसत नाही। मोर दॅन 60% पेशंट्स डू नॉट हॅव एनी सिमटम्स ऑफ डायबिटीज। पण मग सिमटम्स नाही तर पेशंटचा हा प्रश्न येतो की ट्रीटमेंट का करायची, ब्लड शुगर वाढले आहे तर काय झालं। त्याचं मुख्य कारण हे आहे की डायबिटीजमुळे आपल्या शरीरातल्या ब्लड वेसल्स हळूहळू खराब होतात आणि त्याच्यामुळे लॉंग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स जे येतात ते खूप भयंकर असतात। या कॉम्प्लिकेशन्समध्ये डोळे खराब होणे, डायबिटिक रेटिनोपॅथी, दिस इज दी नंबर वन कॉज ऑफ परमनंट ब्लाइंडनेस इन दी वर्ल्ड, डायबिटीज इज दी नंबर वन कॉज। देन रिस्क ऑफ हार्ट अटॅक इज व्हेरी हाय इन दीज पेशंट्स। हार्ट अटॅकची रिस्क 3 to 4 times मोअर कॉमन इन डायबिटिक पेशंट्स ॲज कम्पेअर्ड टू नॉन डायबिटिक पॉप्युलेशन, अँड दॅट कॅन बी प्रिव्हेंटेड इफ वी कंट्रोल डायबिटीज व्हेरी वेल। अँड यू नो डायबिटीज हार्ट अटॅक एकदा आल्यानंतर मग किती कॉम्प्लिकेशन्स असतात सगळ्यांना माहिती आहे। डायबिटीजमुळे किडनीज डॅमेज होतात। एकदा किडनी डॅमेज झाली की पेशंटला क्रॉनिक रिनल फेलियर होतो, नंतर डायालिसिस, किडनी ट्रान्सप्लांटेशन हे सगळे प्रॉब्लेम्स येतात। डायबिटीजमुळे पायाच्या नसा खराब होतात, त्याच्यामुळे पायाचे सेन्सेशन्स येतात, पायाला इजा झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन, गँग्रीन आणि पाय कापला जातो। इट इज सीन दॅट ग्लोबली दी नंबर वन कॉज ऑफ लोअर लिम ॲम्प्युटेशन इज ॲक्सिडेंट, बट देन नंबर टू कॉज ऑफ लोअर लिम ॲम्प्युटेशन इज डायबिटीज। नंबर वन कॉज ऑफ परमनंट ब्लाइंडनेस इज डायबिटीज। 40% ऑफ द पेशंट्स विथ रिनल फेल्युअर ऑर किडनी फेल्युअर आर डायबिटीज। 25% पेशंट्स ऑफ पॅरालिसिस ऑर सेरेब्रोवास्क्युलर एपिसोड्स आर डायबिटीज। अँड डायबिटीज कॉजेस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज 3 to 4 times मोअर than in general population. These are the various complications of diabetes. कार्यक्रम की संकल्पना किंग्सवे के संचालक व MES के सचिव डॉक्टर प्रमोद गांधी ने की है। इस अवसर पर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर संजय देवतले, सचिव डॉक्टर सुनील घाटे, अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रकाश खेतान, API के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कड़स्कर, सचिव डॉक्टर संदीप खरकर, DIA की अध्यक्ष डॉक्टर प्राजक्ता देशमुख, सचिव डॉक्टर पीयूष खेड़े, AMF के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर खोबरागड़े, सचिव डॉक्टर नितिन वड़स्कर, MES के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज चड्डा, संयोजक डॉक्टर प्रशांत राठी, डॉक्टर हर्षवर्धन बोरा, डॉक्टर अतुल सोमानी और अन्य उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।